ओ बीबी, ओ ये वही है जिसने फोन किया था हमको। क्या? अगवा? तू? ओए आप सुनोगे तो बताएंगे ना। तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तेरे साम कैसे चुकाऊं? पर तू मेरा बच्चा हो, तूने। ओए, क्या सचमुच में इसने तुझे बचाया? नहीं, ये बचाएगा मुझे। मेरे साथ का सारा प्लान चौपट कर दी। तुम हमारे घर की इज्जत को सही सलामत वापस ले आया हो, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक सेकंड भाई, तुम्हारा नाम क्या है बरखुदार, और किस शहर के हो? जी राहुल, मैं मुंबई से हूँ। हाय, मुंबई से? मुझे ना मुंबई जाने का बड़ा मन करता है। हमारे गीत भी तो मुंबई में ही पढ़ रही है, आप दोनों की वहाँ कभी मुलाकात नहीं हुई? बचा लेती मैं खुद को, इतनी समझदार हूँ। और आज मैं मनाली में होती कुणाल के साथ, लेकिन नहीं, सिर्फ इसकी वजह से आज मुझे ये बैठ से ही करना पड़ रहा है, वो भी इसका। कभी कम मौन यार गीत, हाँ? एक तो तेरे को उसको थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से तू क्रेजी हुआ ना, तेरे को समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। समझेगी मेरी चूती, तू समझ ले जाके। यू नो व्हाट, रूप सही कहती है कि तेरे को अपना अक्कल यूज करने का आदत ही नहीं है। ओए जाना, रहने दे। ओए गीत, एक बात तू कान खोल के समझ ले, इस बार ना मैं तुझे भागने नहीं देने वाली, और अगर तुझे फिर भी भागने की कोशिश की ना तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। जाना चल, रहने दे से अकेले यहाँ। ओए चल, रुक इधर। देखो ना ये राहुल है ना, सुबह हो ही नहीं के कहने लग गया कि मेरे को वापस जाना है, मेरे को वापस जाना है। कौन समझाया इसे? हो गया फैसला, तू रुक रहा है ना, इतना क्या सोच रहे है? तुम मुंबई वाले ब्रेड पे मक्खन खाते हो ना, इसलिए मैं तेरे लिए ब्रेड और मक्खन लेके आई हूँ। लेकिन ये मक्खन जो है ना, ये हमारे कार वाला है, ये खा के देख। जी। गीत, तेरे वास्ते भी टोस्ट में मक्खन लगाऊं? तेरे ब्रेड पे मक्खन लगाऊं? नहीं तो ना सही, मैं तेरे लिए पराठे बना दूंगी। इतना घबरा क्यों रही है?